बिस्मिल्लाह। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पीटी टेस्ट बुकिंग स्कैम के हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखी रिसेंटली। एक स्टूडेंट के साथ इस तरह हुआ और इसके बाद फिर मैंने इस पे रिसर्च भी किया कि ये स्कैम किस तरह होता है स्टूडेंट के साथ। आपने पीटी प्रिपरेशन ग्रुप में ज्यादातर ये स्कैमर्स होते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको एड के थ्रू आ जाता है कि हम आपके लिए कम पी में आपका जो है ना पीटी टेस्ट बुक कर लेते हैं, और हम उनको मैसेज करते हैं या ग्रुप से उनका नंबर लेते हैं। व्हेन वी टेक्स्ट देम तो वो हमको सेटिस्फाइड भी इस बात से करते हैं कि मैं आपके लिए टेस्ट बुक करूंगा और आप पेमेंट टेस्ट बुकिंग के बाद ही मुझे दे देना। फिर हम सोचते हैं कि ये किस तरह होगा, वो आपको श्योर करने के लिए ये भी आपको कह देते हैं कि आपको पीटी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मेल आएगा। जिस तरह आप बुकिंग करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मेल आएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता, तो इसमें कोई स्कैमिंग नहीं है। हमारे पास पियर्सन की तरफ से, पीटी की तरफ से वाउचर से, और हम उसी के थ्रू आपका टेस्ट बुक करवा देते हैं। तो इसकी एक रियलिटी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, वाउचर होती है पीटी में, लेकिन वो तकरीबन 3,000-4,000 मैक्सिमम आपका जो है ना 5,000 तक आपको वाउचर मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। टेस्ट की फीस अराउंड $220 है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 68,000-70,000 तक बन जाते हैं। तो वो कैसे फिर ये स्कैमर आपके लिए 40,000 पे, 30,000 पे, 50,000 पे टेस्ट बुक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम तो फिर सोच रहे हैं कि हाँ, सच में अगर मुझे पियर्सन की तरफ से, पीटी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से मुझे मेल आ जाते कि आपका टेस्ट बुक हो गया, तो इसमें क्या है। तो रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ इस तरह हुआ कि उसने, इस तरह के एक बंदे ने उसे कहा कि मैं आपके लिए टेस्ट बुक कर देता हूँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आ जाएगा, आप खुद ही कन्फर्म कर दो, इवन पीटी टेस्ट सेंटर पे आप कॉल कर दो, उनसे भी कन्फर्म कर दो। उस बंदे ने इस तरह किया कि उसने कहा चलो ठीक है, टेस्ट बुक कर दो मेरे लिए। उसने टेस्ट बुक करवाया, इनको मेल आ गया पीटी ऑफिशियल वेबसाइट से, ये भी शुरू हुआ कि हाँ ये तो सच में बुक हो गया। बस इसने उनको 40,000 पे कर दिया। 40,000 पे करने के बाद तकरीबन आधा घंटा या घंटा बाद उसका टेस्ट स्टेटस, जब उसने अपना पोर्टल खोला तो टेस्ट इनकम्प्लीट शो हो रहा था। दोबारा उसने मैसेज किया, उस बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे मेरा तो टेस्ट कैंसिल हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों, अगर आपने पे किया हुआ है। तो उसने फिर मुझे सारी स्टोरी बता दी कि इस तरह मैंने बंदे के थ्रू करवाया और वो मुझे कह रहा था कि मैं आपके लिए 40,000 पे कर दूंगा। तो जब मैंने उनका मेल पढ़ा, मेल में उसने अपनी जो है ना बुकिंग कैंसिल करवाई थी और उनकी पेमेंट रिवर्स हो गई थी उस बंदी के अकाउंट में। तो फिर मैंने उसकी पोर्टल पे, अपनी जो मेरा दोस्त है उनके अकाउंट के पोर्टल पे मैंने कस्टमर सर्विस से उनके पीटी वालों के साथ बात करवाई, तो उसने कहा कि विद इन 24 आवर जब आप अपना टेस्ट कैंसिल करते हो तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाती है। और इस तरह ये स्कैमर्स कहते हैं स्टूडेंट तो को, तो कहते हैं कि हमने बुक करवाया, अभी पे करो, स्टूडेंट उनको पेमेंट करते हैं और वहां से वो टेस्ट कैंसिल करके पेमेंट रिवर्स कर लेते हैं अपने अकाउंट में। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट, की इस तरह के स्कैम्स वगैरह से बचे रहे। 20,000, 15,000, 10,000 को बचाने के लिए आप 40,000, 50,000, वही आपका लॉस हो जाता है, और फिर आपने दोबारा जो है ना 60-68,000 जमा करना होगा टेस्ट बुकिंग के लिए। तो ये रिस्क ना ले 10-15 हज़ार रुपये की, और अपना टेस्ट जो है ना ऑफिशियल किसी पीटी के पार्टनर कंसल्टेंट से करवाए या खुद टेस्ट करवाए, खुद बुकिंग करवाए। इसकी रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपने टेस्ट बुक करवाना है। और दूसरी बात, जो मैं टेस्ट सेंटर गया था लास्ट टाइम, मैं जो चला गया था वहाँ मैं पासपोर्ट अपना भूल गया था घर पे, और उसकी वजह से मेरा वो टेस्ट कैंसिल हो गया। मैंने रिक्वेस्ट भी की लेकिन मुझे रीअपियर करने के लिए नहीं छोड़ा, और आई हैव टू पे अगेन एंड बुक माई टेस्ट अगेन। तो वहाँ जब मैं गया था, उधर भी एक बंदे का मसला था कि इस तरह उसने किसी से टेस्ट बुक करवाया था और इवन वो टेस्ट में भी अपियर हो गया, और टेस्ट अपियर होने के बाद रिजल्ट भी आ गया, लेकिन एक दो दिन बाद उनके पोर्टल पे उनका रिजल्ट शो नहीं हो पा रहा था। तो ये स्कैमर इस तरह की भी कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं कि बाद में जब पियर्सन वालों को पता चल जाते हैं तो वो उनका अकाउंट होल्ड कर देते, अकाउंट होल्ड कर देता है और उनका टेस्ट रिजल्ट अपीयर नहीं होता, पोर्टल में इशू आ जाती है। तो कभी भी
इस तरह की जो वो कहते हैं कि हमारे पास वाउचर है, आपके लिए मैं टेस्ट बुक करवाऊंगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट कि इस तरह की स्कैमर वगैरह से बचे रहे और खुद ही अपना टेस्ट बुक करवाए। अगर खुद नहीं करवा सकते तो किसी ऐसे बंदे से करवाए जिनके साथ आपका जान पहचान हो और आप उसे जानते हो, और वो आपके लिए प्रॉपरली $220 है, यही है। तो 40,000 रुपये आपका किसी का टेस्ट बुक नहीं हो सकता। ये सरासर फ्रॉड ही स्टूडेंट के साथ होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सारे के स्कैम से बचे रहें और अपना टेस्ट जो है ना खुद ही बुक करने की कोशिश करें, एंड किसी भी सारे के स्कैम में ना आए। थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्कैमिंग इन पीटी टेस्ट बुकिंग। थैंक यू। موږ چې په باجا کړلې هم زمونږ هغه غیرت پیلم پکې ورشه په دغه باندې وګوره پټي باندې وګوره پټي وی چلی